वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता.com में आपका स्वागत है। मैं हूं रचना रावत। एंड गेस, आज हमारे साथ कौन मौजूद हैं? लगाइए लगाइए, अनुमान लगाइए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि महादेव यानी कि देवों के देव महादेव आज हमारे साथ हैं मौजूद। तो देखिए महादेव जी के कर लीजिए आप भी दर्शन। हाय, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा, उसके बाद कौन अच्छा नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, मैं तो कहीं यहाँ फेंट ना हो जाऊँ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि आपकी वेब सीरीज आ रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? वेल, काफिर है जो 15 जून से स्ट्रीम होने जा रही है Z5 पे। बहुत ही सोलफुल कहानी है, बहुत ही ह्यूमन इंटरेस्ट ह्यूमन जर्नी की कहानी है। जिस तरीके से अभी इन्होंने माइक पकड़ा हुआ है, उसी तरीके से मैं भी इसमें जर्नलिस्ट प्ले करता हूँ। मैंने बहुत माइक पकड़ी हैं और मुझे भी उसमें एडिटर साहब का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि तुम कैसी स्टोरी दे रहे हो, मुझे अच्छी सी स्टोरी लेकर आओ मेरे लिए। सो आई हैव बीन देयर व्हाट एवरीबॉडी गोज थ्रू है इन दिस ऑफिस, बट दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट हैविंग सेड दैट, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लव स्टोरी एंड ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी इन फैक्ट ऑफ टू कैरेक्टर्स कॉल्ड कैनाज अख्तर एंड वेदांत राठौड़। कैनाज अख्तर जो दिया मिर्जा प्ले कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी मेरे साथ यहाँ होने वाली थी, बट उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई और उन्हें जाना पड़ा, वरना इस समय वो आपके सामने अपने किरदार के बारे में बात करती। बट क्योंकि मैंने कैनाज के साथ 2 महीने काम किया है, तो उनके बारे में मैं भी थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। कैनाज अख्तर और वेदांत राठौड़, कैनाज अख्तर जो है एक पाकिस्तानी जो एक सिटीज़न है जो गलती से बॉर्डर्स क्रॉस करके हिंदुस्तान पहुँच जाती हैं, और उनकी एक नन्ही सी 6 साल की बच्ची है सहर, कैसे उनकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट से होती है वेदांत राठौड़ से, और वो कोशिश करता है कि वो उन्हें न्याय दिला सके, उनकी ज़िंदगी उन्हें वापस दिलवा सके, उन्हें उनके घर पाकिस्तान वापस भेज सके। बहुत ही अच्छी कहानी है। और आजकल डिजिटल बूम चल रहा है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अलग अलग कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, बट ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और ये कहानी ये जो है बहुत ही प्यार से, बहुत ही सोलफुल और बहुत ही अच्छी नीयत के साथ बनाई गई है। तो जब कहानी अच्छी नीयत से बनाई जाती है और कही जाती है ना, उसे देखने में बहुत मज़ा आता है। सो आई एम वेरी श्योर कि आप जब व्यूअर्स इसे देखेंगे, दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी इट। बिल्कुल, तो आप भी इसको ज़रूर देखिएगा। ये वेब सीरीज़, इस तरह की सीरीज़ जो है ना, बहुत कम बनती हैं। अच्छा, हम दिया मिर्ज़ा के बारे में जानना चाहेंगे कि दिया मिर्ज़ा के साथ आपने पहली दफ़ा काम किया है, इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस, उन्होंने आपके साथ कुछ वक्त बिताया, आपको कैसा फील हुआ, उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा इस बारे में बताएं। देखिए, मैं तो उस ज़माने का उनका फ़ैन रहा हूँ जब उन्होंने रहना है तेरे दिल में मैं हम सब का दिल जीत लिया था। तब रीना मल्होत्रा जो उनके किरदार का नाम था उसमें, उनका पोस्टर मैंने अपने दरवाजे के पीछे लगा दिया था वैन डैम के साथ। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उस टाइम से आता हूँ, और आज मेरा सपना जो है वो सच हो गया कि मैं दिया मिर्ज़ा के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। एंड ये सब जो है सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ही हुआ है, बिकॉज इसी ने टेलीविजन एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स की जो डिस्टेंस है उसे कम कर दिया, उसे बिल्कुल मिटा दिया है लगभग। बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, बहुत ही उमदा कलाकार हैं, बहुत ही अच्छी इंसान हैं, बहुत ही उनकी सोल बहुत प्योर है, वो सबका ध्यान रखती हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, हार्ड वर्किंग है। हम लोग जब हिमाचल प्रदेश में सांगला वैली तिब्बत बॉर्डर के पास हम लोग ठंड में शूट कर रहे थे, हम लोग -3 -5 में चले जाते थे, उसमें मैं जब स्वेटर पहन के जैकेट पहन के मैं क्रिप करने की कोशिश करता था, और उससे पहले मुझे उन पर नज़र पड़ती थी क्योंकि वो ठंडे पानी में कूद कर वो उनकी शूटिंग किया हुआ करती थी, और उन्होंने बिकॉज़ उनका किरदार जो है ज़्यादा गरीब था तो वो ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। सो आई गेस उन्होंने कभी भी उस बात को क्रिप नहीं किया, या कभी भी उन्होंने सोचा नहीं कि मुझे ठंडे पानी में -5 में उतरना पड़ रहा है, या वो नाखून लेके जो है अपनी मिट्टी जो है नाखून में डाल देती थी सो दैट इट लुक्स अ लिटिल डर्टी। तो आपके पास जब इस स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, इस तरीके के आपके पास को एक्टर्स होते हैं, तो आपको भी अपना कहीं हार्डवर्क थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। आई रियली हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दिया फॉर डूइंग व्हाट शी हैज डन एंड व्हाट शी हैज गिवन टू काफिर। देखा आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक्टर्स को भी, तो हम आपको शुभकामनाएं देंगे, और यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके लिए है कि आप काफिर की जो आपकी काफिर है ये बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करें। थैंक यू सो मच। मैं बस आप लोगों का प्यार चाहता हूँ, सबका प्यार चाहता हूँ। 15 जून से देखिए Z5 पर, सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्ट्रीम होने जा रही है 15 जून से काफिर।